नमस्कार, मैं नु त्रिपाठी। जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, उड़ीसा का वो कांड जो आपका दिल दहला सकता है। मैं आपको बता दूं कि लगातार खबरों में 3 दिन से देख रहे होंगे, आपकी ट्रेन हादसा हो गया। 3 ट्रेन एक दूसरे के ऊपर जा चली, जिसमें 300+ लोगों की मौत हो गई और 600+ लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे भारत का ये सबसे बड़ा हादसा बताया गया है। 21वीं सदी का वो हादसा जिसमें जाने कितने परिवारों ने अपने जीवन को बलिदान में बदल दिया है। वहीं पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। हालांकि वंदे भारत का उद्घाटन होने वाला था, लेकिन मोदी ने मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा देखते हुए शोभा नहीं देता है। इधर रूस से लेकर के पाकिस्तान से लेकर ब्रिटेन से लेकर के तुर्की तक, जापान तक, जाने कितने लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं भारत के लिए, कि कहीं ना कहीं उन्हें दुख है, कष्ट है कि इतना बड़ा हादसा भारत के अंदर हो गया। जरा सोचिए, बेशक वैसे कैसे भी देश पड़ोसी देश दुश्मन हो, लेकिन अगर ऐसे वक्त पर कहीं ना कहीं दुख जता रहे हैं तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं एक ज़माना वो था और एक ज़माना आज है। मोदी राज में कहीं ना कहीं विदेशी लगातार भारत के सदैव साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जिस वजह से 300+ लोगों को जान गंवानी पड़ी। इस पर किसकी गलतियां हैं, ये एक जांच का विषय है। सामने तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, एक नहीं बल्कि 15 बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ बैठी। बगल से ट्रेन जो आ रही थी उसकी 2 बोगियां पीछे वाली, और जो ये दूसरी ट्रेन आप सामने देख पा रहे हैं इसकी लगभग 3 से 4 बोगियां वहीं पर ध्वस्त हो गई, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। हमारा चैनल भी वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया दुख व्यक्त करता है और परिवारजनों को यही कहना चाहता है कि जो गया है वो वापस नहीं लौट सकता, लेकिन जो भी हादसा हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी हम ये संवेदनाएँ व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। अनु त्रिपाठी, आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।